नमस्कार दोस्तों, तो मोटरोला H40 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। वैसे मैंने इसके साथ ऑलरेडी पोको F5 5G जो कि सेम प्राइस पर में अवेलेबल है उसका मैंने कंपैरिजन वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं, उसमें गिव अवे चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा 30,000 पे अवेलेबल है मोटरोला H40, 30,000 पे अवेलेबल है आईको नियो 7। तो सेम प्राइस पर में अवेलेबल है दो फोन के बीच में, अगर आपको कोई लेना है तो कौन सा आपके लिए बेटर होगा, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटोल चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो मोटरोला H40 टोटल दो कलर पे अवेलेबल है, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। और जो आईको नियो 7 आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, ब्लैक और ब्लू। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आईको के पीछे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर, मतलब जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक का बैक कवर। मोटो के पीछे आपको मिलेगा आइदर पॉलीकार्बोनेट या फिर लेदर का बैक कवर। अगर भी ग्रीन वाला लेंगे तो आपको मिलेगा लेदर, बाकी दो कलर में मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक कवर। नेक्स्ट अगर डायमेंशन के बारे में बात करें, मोटो का थिकनेस है 7.6 मिलीमीटर और वेट है 167 या फिर 171 ग्राम डिपेंडिंग ऑन बैक कवर मटेरियल। उसी जगह पे आईको का थिकनेस है 8.6 मिलीमीटर और वेट है 193 ग्राम। तो इसका मतलब दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा हल्का फुल्का स्मार्टफोन चाहिए उसके लिए मोटो इधर है डेफिनेटली विनर। डिस्प्ले की अगर बात करें, मोटो पे आपको मिलेगा 6.55 इंच फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज कर्व्ड सुपर एमोलेड डिस्प्ले। आईको पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले। कोई हाई बिट रेट या फिर कर्व्ड डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं। मोटो पे आपको मिलेगा 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, लेकिन इसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो नहीं लेकिन किसी दूसरे थर्ड पार्टी ब्रांड का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। आईको पे आपको मिलेगा 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और स्कॉच सेंसेशन का ग्लास प्रोटेक्शन। इसके अलावा मोटोला पे आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, आईको पे मिलेगा 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और 1200 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट। मोटो और आईको दोनों का ही ब्राइटनेस है 1200 से 1300 निट्स के आसपास। और इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन। तो इसका मतलब अगर आपको गेम खेलने के लिए सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, ऑब्वियसली उसके लिए इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट या फिर टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे मामले में आईको का डिस्प्ले डेफिनेटली बेटर होगा। लेकिन अगर आपको मूवी वगैरह देखने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए मोटो इधर है नो डाउट बेटर। प्रोसेसर की अगर बात करें, मोटोरोला पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पे और इसका एंटूटू स्कोर है 688,000 के आसपास। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, ये जो डायमेंसिटी 8020 एक्चुअली 2 साल पहले एक सीपीयू लॉन्च हुआ था जिसका नाम है डायमेंसिटी 1100, उसका रिब्रांडेड वर्षन है। उसी जगह पे आईको पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8200 जो कि 4 नैनोमीटर पे और इसका एंटूटू स्कोर है 850,000 के आसपास। तो इसका मतलब अगर आपको बेटर क्वालिटी परफॉर्मेंस मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आईको होगा डेफिनेटली बेटर। कैमरे की अगर बात करें, मोटोले पे आपको मिलेगा 50 और 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। इसके रियर कैमरे के साथ OIS EIS दोनों का ऑप्शन मिलेगा, मतलब ये जो कैमरा सिर्फ वीडियोग्राफी पे नहीं फोटोग्राफी में भी बढ़िया काम करेगा। उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी, इसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। उसी जगह पे आईको पे आपको मिलेगा 64:2:2 का रियर कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश। रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी और कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी स्टेबिलाइजेशन में या फिर बेटर क्वालिटी फ्रंट कैमरा और अल्ट्रावाइड सेंसर में मोटोरोला इधर है डेफिनेटली बेटर। लेकिन अगर हम पिक्सल साइज और सेंसर साइज के बारे में बात करें, उस मामले में भी जो मोटोरोला H40 उसका 50 मेगापिक्सल सेंसर आईको के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है सैमसंग GW3 उसके मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। तो इसका मतलब कैमरे के मामले में नो डाउट मोटोरोला इधर है बेटर। रैम और वेरिएंट की अगर बात करें, मोटोले पे आपको मिलेगा 8GB रैम 256GB मेमोरी टोटल एक ही वेरिएंट, आईको पे आपको मिलेगा 8 128GB और 12 256GB। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जिस प्राइस पॉइंट में आईको आपको प्रोवाइड कर रहा है 8 128GB उसी प्राइस पॉइंट में मोटोले आपको प्रोवाइड कर रहा है 8 256GB। इसके अलावा दोनों पे ही कोई भी एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं। दोनों पे आपको डेफिनेटली डुअल सिम का तो ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना मोटोले पे आपको मिलेगा एक फिजिकल सिम और एक ई सिम का ऑप्शन, लेकिन आईको पे आपको मिलेगा दोनों ही फिजिकल सिम का ऑप्शन। इसके अलावा मोटोले पे आपको मिलेगा LPDDR4X रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज, आईको पे आपको मिलेगा LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी रैम और रोम के कॉम्बिनेशन पे आईको इधर है स्लाइटली बेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। मोटोले पे आपको मिलेगा 4400 mAh बैटरी, 68 वाट का चार्जर।
आई होप आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी 120W का चार्जर। तो इसका मतलब बैटरी चार्जर दोनों के कॉम्बिनेशन पे आईको इधर बेटर, लेकिन मोटोले पे आपको मिलेगा 15W का वायरलेस चार्जिंग जो कि आईको पे मिसिंग है। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी बैटरी चार्जिंग के फीचर में आईको इधर होगा बेटर। ऑडियो की अगर बात करें दोनों पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर, मोटोले पे मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन, आईको पे आपको इसका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ DTS HD ऑडियो का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ऑडियो डिपार्टमेंट में मोटोले इधर है स्लाइटली बेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों के पोर्ट्स के बारे में। तो इधर दोनों ही फोन में कोई भी 3.5 जैक का ऑप्शन नहीं, और दोनों भी जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब इस मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। इसके बाद अगर OS के बारे में बात करें, मोटोरोला और आईको दोनों पे आपको मिलेगा एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, मोटोरोले पे आपको मिलेगा नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला यूजर इंटरफेस, आईको पे आपको मिलेगा फन टच ओएस। अभी तो टोटली पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है कि दोनों में से आप कौन सा चूज करना चाहेंगे। इसके बाद अगर 5G बैंड के बारे में बात करें, मोटोरोले पे आपको मिलेगा टोटल 14 5G बैंड, आईको पे आपको मिलेगा टोटल 8 5G बैंड। वैसे जो इंपॉर्टेंट वाले 5G बैंड वो तो दोनों पे अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड चाहिए, मतलब कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मोटोरोला इधर है स्लाइटली बेटर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, मोटोरोला का 8 256GB का प्राइस है ₹30,000 और आईको का 8 120GB का प्राइस है ₹30,000 और 2 256GB का प्राइस है ₹34,000। तो अब बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो दोनों में से एक्चुअली कौन सा बेटर, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप आईको के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बिगर गेमिंग डिस्प्ले, मतलब गेम खेलने के लिए जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा, बेटर क्वालिटी CPU, बिगर बैटरी, फास्टर चार्जर और फास्टर रैम। मतलब देखिए आईको पे आपको जो एडवांटेज मिल रहा है वो एक्चुअली गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फोन के अंदर आपको 90fps BGMI आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर मोटोरोला के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा प्राइस पॉइंट का सबसे स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट स्मार्टफोन, बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, बेटर कैमरा, सेम प्राइस पॉइंट में 128GB एक्स्ट्रा स्टोरेज, वायरलेस चार्जिंग, डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन, स्टॉक UI और 14 5G बैंड। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, अगर ये दोनों फोन में से अगर आपको एक ऑलराउंड वाला फोन चाहिए जिसके सभी स्पेसिफिकेशन बढ़िया होगा, तो आपके लिए मोटोरोला H40 सबसे बढ़िया चॉइस है। लेकिन अगर आपका ऐसा चॉइस है कि गेमिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो ये दोनों फोन के अंदर आईको मेरे ख्याल से सबसे बेटर चॉइस है। और स्पेशली अगर आपका टारगेट है BGMI खेलना, तो आईको से बेटर और कोई भी चॉइस नहीं, क्योंकि पोको F5 में भी 60fps से ज़्यादा BGMI पे सपोर्ट अभी के लिए नहीं करता, लेकिन आईको में आपको 90fps आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो भी आप मुझे कम से जरूर बताने कि आप ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर कौन सा चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।